लीजिए, वो सारी चीजें जो हमको बोला जाता है मत खाओ, जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें इसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी। 6-8 महीना मैं दवा के खा रहा था और इतना मैंने इंजॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत इंजॉय किया। मतलब जहाँ मैं जाऊँ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा, अरे खाओ यार कुछ नहीं करके मैं ले लेता था। तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया। नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट। आई हैड टू स्टे फैट यू नो थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म। और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी, उफ, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी, आई हैव टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई टीम ओवर हियर। एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, वो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं। और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ यू नो पर्सन हु इज टू कंसल्ट हिम, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो लकीली आई मेट निखिल, ही वॉज इन इंडिया दैट टाइम एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड हैज लेफ्ट। तो उससे मुझे ताकत मिली, क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपरली। उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहां मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूं, व्हाटएवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग। सो एंड आई इन्वॉल्वड हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग, इवन इन द वेट गेन एंड इन द वेट सस्टेनेंस, ही वॉज स्टिल पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिंग द डायट फॉर मी। एंड then the weight loss began from the 10th of January, I think 10th January se mera weight loss shuru hua. So he was very critical in this whole process. The other two people who were critical were my trainers. Ek mere trainer hai, unka naam hai Rakesh, aur Rakesh mere saath the shuru mein jab humne shuru kiya training. Aur training mein dekhiye ye bhi important hai ki main mota hu lekin meri training phir bhi ja rahi hai, aapko wo muscles dikhenge nahi kyunki charbi itni zyada hai uske upar ki muscles ka shape aapko nazar nahi aayega. लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूँगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई ट्रेन राइट थ्रू दिस प्रोसेस। इवन व्हेन आई एम फैट आई एम ट्रेनिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन व्हेन यू आर फैट। 97 किलोज एंड यू आर डूइंग स्क्वाट्स एंड यू आर डूइंग यू नो बेंच प्रेस एंड यू आर डूइंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। खैर तो मैंने वो राकेश वॉज विथ मी एंड देन राकेश इज एक्चुअली सलमान्स ट्रेनर, वो रेगुलरली सलमान की ट्रेनिंग करता है। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है। तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ। तो वो भाई के पास गए और ही ट्रेन्ड सलमान एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी, भट्ट साहब के जो बेटे हैं। तो राहुल भट्ट ट्रेन्ड मी फॉर 3-4 मंथ्स जो शूटिंग के दौरान एंड देन वंस सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई देन राकेश केम बैक। सो लास्ट 3 मंथ्स अगेन राकेश हैज ट्रेन्ड मी। So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Durandar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that, क्योंकि दंगल टाइटल स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था आपने, लेकिन जब हमने पता किया तो वो स्क्रिप्ट का जो राइट्स थे वो पुनीत जी के पास थे, पुनीत सर। सो आई न्यू दैट सलमान इज वेरी क्लोज टू पुनीत एंड आई कॉल्ड अप सलमान वन डे एंड सेड के यार मुझे दंगल टाइटल चाहिए यार, कैन यू रिक्वेस्ट, कैन यू अरेंज अ मीटिंग बिटवीन पुनीत एंड मी। तो एक्चुअली सलमान कॉल्ड अप पुनीत एंड सेड यार उनको टाइटल चाहिए, जबकि वो सुल्तान बना रहा है, लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो सेम रेसलिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सलमान ने एक्चुअली हमको हेल्प किया। दंगल का टाइटल मिलने में सलमान का बड़ा हाथ है एंड ही कॉल्ड अप पुनीत एंड देन पुनीत एंड आई मेट एंड पुनीत इज वेरी स्वीट। ही सेड कि यार मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग इस्तेमाल कर लो। सो ही गेव अस द टाइटल एंड दैट्स हाउ वी गॉट द टाइटल एक्चुअली दंगल। Hi Siddharth, Siddharth over here. You know, PK released on 19th of December, which was a week before Christmas.
So what, is there a particular reason why Dangal is releasing in the Christmas weekend? And how do you see that Christmas falls on a Sunday this time? So how do you see that? Will that affect the business in any way? You know, that period is an excellent period for releasing movies, as we've seen over the last so many years. And so many of Aamir's films have released at that time as well. We felt 23rd was the right date because it was on the eve of Christmas. You're actually being able to reach out to audiences who are in a mood to actually go and visit the theaters. You've got your holidays going on at that time. So December 23rd seemed like just the right date to release the film. Hi, Aamir, this is Simrita from Filmikari, towards your left. I have two questions for you. Yeah. The film is about the father and his four daughters and how he trains his two daughters to be wrestling champions. So how was it working with the four girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with him. When you film dekhenge, to bahut saari cheeze dekh ke aap log chonk jayenge, hairan ho jayenge. Jo char ladkiyon ne kaam kiya hai, unbelievable. Absolutely unbelievable. Matlab, ये अपनी पहली फिल्म कर रही है. मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूं. मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूं. लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही है अपनी. सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम. यू नो द यंग किड्स ऑफ टुडे आर सो फोकस्ड, सो हार्ड वर्किंग. ऑल फोर ऑफ देम रियली हार्ड वर्किंग. एंड दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म फॉर देम टू डू बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू रन रेसलिंग. रेसलिंग इज अ वेरी टफ स्पोर्ट. आपकी बॉडी में इंजरीज होती हैं. सो फॉर एग्जांपल फातिमा इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हर रेसलिंग ओनली शी इंजर्ड हर रिब एंड शी हैड टू डू द होल वन ईयर ऑफ शूटिंग एंड द रेसलिंग रिहर्सल्स विद दैट ब्रोकन रिब बिकॉज रिब का कोई फ्रैक्चर अपना कोई कास्ट वास्ट नहीं होता. यू हैव टू जस्ट अलाउड टू हील. सो दे हैड टू रियली पुश देयर ओन लिमिट्स, देयर फिजिकल लिमिट्स. फिर हरियाणवी की डायलेक्ट सीखना है. तो आई थिंक ऑल ऑफ देम एक्चुअली इंजरी तो सभी को हुई. मुझे भी हुई इंजरीज. फातिमा, सानिया, अपना Suhani and Zaira, but all four of them, you know. Suhani is the little darling because she's the smallest. We all really love her. And Zaira is very, very talented. She's a wonderfully talented young girl. Sania is my favorite, I have to say. My heart goes out to her. Yeah. She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all four are very talented, I have to say. All four, there's no difference. And all four have applied themselves completely. Whatever I say is less about them. Also, the tagline of the film, Hamari Choriyan Choro Se Kam Hai Kya? It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer? Ki kam nahi hai. Asking it again and again, ki kam hai, we are just... nullifying the fact ki haan kam nahi hai. Nahi, aisa nahi hoga. Aap film dekhiye. Trust us. Aamir, any particular reason to launch this poster two days before Sultan? Aamir here. Where? Left. Kahan hai? Any particular reason to launch the poster 2 days before the release of Sultan? Oh yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit here. And all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the थिएटर के. भाई हमारी भी आ रही है बाद में. तो दैट्स द रीजन. इतनी बड़ी बम्पर हिट होने वाली है, उसकी ओपनिंग कुछ बिजार लगने वाली है. तो जो लाखों लोग आएंगे थिएटर में, तो हम थिएटर में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं. भाई हम भी हैं. छह महीने बाद हम भी आ रहे हैं. सो वी आर यूजिंग द ह्यूज पोटेंशियल दैट सुल्तान हैज टू प्रोपेल आवर फिल्म. आमिर यू जस्ट सेड दैट वन ऑफ योर ट्रेनर लेफ्ट यू इन बिटवीन. I believe Rakesh. For Bhai. Did you not feel offended? No. I didn't feel offended. No, because see, the thing is that I know that Rakesh regularly trains Salman, first of all. He regularly trains Salman and has been doing it for many years. So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that, you know, Salman is used to him. Salman trains with him, has been training with him for 10, 15 years. I don't know how many years. So wo baat main samajhta hu. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ, कभी कभी हमारा टाइमिंग क्लैश होगा, उसकी शूटिंग है, मेरी शूटिंग है, तो आप सलमान को प्रेफरेंस दो, मैं मैनेज कर लूंगा. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग विद राकेश आल्सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एंड ड्यूरिंग आवर रीसेंट इंटरव्यू सलमान सेड दैट फॉर 20 डेज ही हैड टू डू द फिट बिट, देन ही हैड टू डू द अनफिट बिट, एंड देन अगेन ही हैड टू लूज इन हिज वेट एंड देन इंक्रीज द वेट एंड ऑल, यू नो. एंड ही सेड कि आमिर का अच्छा था, उसने तो 6 महीने में कर लिया. So, what do you want to say?
He's absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging. And I can understand because I've been through it and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging and hats off to what he's done. Hi, Abhishek here, state. आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफी देख रहे हैं रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे तो क्या आप काफी बिजी चल रहे हैं जो आपके वो नहीं देखा गया साथ में मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती मुझे धोखा मत देना किसी और का दोस्त बनना ऐसा थोड़ी होता है भाई I'm very happy to know that Salman and Shah Rukh are spending time together. They went out cycling, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. Okay, Aamir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on, people who are alive, the makers usually bring them towards, when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes. Of course, we would like you to speak to them. If you would like to introduce them to all of you, at the right time, we'll be doing that. Aamir, the film shows woman encouragement in sports. Sorry, what? The film shows encouragement of women in sports, that is wrestling. So do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that jo patriarchal thinking hai humare samaj mein, wo har cheez mein affect karti hai. Sports mein affect karti hai. Aap bachiyon ko, main aapko batau, sabse pehle to hum bachiyon ko paida nahi hone dete. Coke mein hi hum maar dete hain. फीमेल फीटोसाइट कितना होता है हमारे यहाँ तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वो वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते मैं सब हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता उस पर हम एजुकेशन पर खर्च नहीं करते उसके हेल्थ पर हम खर्च नहीं करते हम कम खर्च करते हैं पहले लड़के को खिलाओ भाई दूध है तो उसको पिलाओ तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में हर घर में ऐसा नहीं होता मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी दो बहनें हैं हम दो भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है लेकिन कई जगह ऐसा होता है तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा जब उनके जज्बात बदलेंगे तभी ये बात बदलेगी Aamir, when you said that, poster aap kone mein rakhna chahenge Sultan ke release par so that people would also see it, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. It's been nahi kya baat hai. I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranbir. Ranveer, so many actors who are hugely popular. Yeah. It's very difficult to compare कौन आगे कौन पीछे वो उस comparison में जाता नहीं. But I do feel that when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि star आया यार. मैं enter मारता हूँ तो लगता है कि कोई waiter आ गया. Sorry, I'm sorry. I shouldn't say that because waiters are great people. कहाँ हैं भाई waiters? I shouldn't say that. But I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है। मैं चुपके से corner में enter होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ। It's Salman who enters, Shahrukh. When Shahrukh enters, you feel a star has entered. वो quality है ही नहीं मेरे में। So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर, एक सवाल है आपसे। अभी आपने कहा कि जो लड़कियाँ हैं, वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर वन पोजीशन में है हमारे देश में तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं सत्यमेव जयते में भी कहा है वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए और दूसरी बात कि आप यही तो हमारा प्रयास है जी ये जो फिल्म हमने बनाई है ये सबसे बड़ा प्रयास है आप देखिए तारे जमीन पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में देश भर के पेरेंट्स में थ्री इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन पे तो मेरे समझ से यही तो हमने दो साल जो लगाए मैंने दो साल लगाए नितेश जी ने चार साल लगाए यही तो हम कर रहे हैं यही तो हमारी कोशिश है और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है तो आप उसको किस तरह से
Aira ka interest hai bahut sports mein, and she's also interested in painting, she's interested in different things. And both Reena and I and Kiran, we encourage our kids to do what makes them happy and to learn about things that they are interested in always. Aamir sir, yeah. Aamir, aksar aisa hota hai ki jab biopic banti hai Bollywood mein khaskar, to jis par biopic ban rahi hoti hai use thoda hum glorify karte hain. Aisa possible lazmi hai ki kisi bhi heroes mein bhi flaws hote hain, lekin Bollywood mein aksar glorify kiya jata hai. To kya is film mein Mahavir ji ke negative aspect pe bhi focus kiya jayega ya aise koi ise glorify nahi karne ki koshish, aap kya kahenge iske? I think Nitish ji is answer ko better jawab de payenge, because though hamare mere mann mein bhi jawab hai, lekin aap writer director hain, aap bataiye. Actually isme itna glorify karne ki humne koi chesta nahi kari hai. Is film mein jitna real rakh sakte hain hum log utna hi real rakhne ki koshish ki hai. In fact Mahavir Singh ka jo character hai wo bhi ekdam close to being perfect nahi hai. एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए, और बेटे की चाहत में ही चार लड़कियां होती हैं उनको. तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम यू नो परफेक्ट है, बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा, तो फिर यू नो इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा. बट यू नो ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है. आमिर आपसे सवाल है. आमिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी. अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल. तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है, आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी. लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी जो जहाँ तक मुझे याद है. तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी, और उसके बाद लगातार कई फिल्में आईं. चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं. तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पर बनती हैं. बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, शायद फुटबॉल पर भी एक बनी है. तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से. और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, हमने उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में. हाँ नहीं, देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं, और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता. लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी के का थॉट मेरे माइंड में पहले आया, और मैंने नितीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर. क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं, एंड शी लव्स साक्षी. तो आई टोल्ड नितीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर, एंड नितीश जी ने टेस्ट लिया, नितीश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वॉज कास्ट. And she's fantastic. I'll tell you. मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल. मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है पहले टेक में, और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड बट शी इज सो वेट विथ इमोशंस. सो देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल स्किल विथ यू नो फीलिंग द शॉट वाइल यू आर डूइंग इट, which I find that very rare, you know. And every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो डम 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 बॉल को सिक्सर विक्सर मार रही हैं. मुझे लग रहे हैं 7 take 8 take. शी इज फैंटास्टिक, आई जस्ट लव्ड हर, एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विथ, रियली वंडरफुल टू वर्क विथ. हाँ नहीं, नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में. मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी एक हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया.
ये थॉट मुझे हमेशा आता है. अच्छा थॉट इसलिए आता है, मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए. तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में जो होना है वो होगा. लेकिन इस फिल्म में मैंने नितीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही उदय यू आर नॉट देयर. तो मैंने नितीश जी को बोला कि देखिए नितीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है. खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा.